वजीर आला मरियम नवाज की सिविल सेक्रेटरीट आमद मरियम नवाज की ट्रैफिक रोकने पर सख्त बरहमी। मरियम नवाज ने सिविल सेक्रेटरीट के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की मरियम नवाज को मुख्तलिफ महकमों के बारे में ब्रीफिंग। वजीर आला मरियम नवाज के जेर सारत दरबार हॉल सेक्रेटरीट में आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें चीफ सेक्रेटरी जाहिद जमान अख्तर, चेयरमैन PND, सेक्रेटरी हेल्थ, सेक्रेटरी खजाना ने ब्रीफिंग दी। वजीर आला मरियम नवाज ने इस मौके पर कहा, मालियाती अमूर में शफाफियत पर समझौता नहीं होगा। खिदमत के जज्बे से सरशार दयादार अफसरों को सलूट करती हूँ। उमर दराज गोंदल ब्यूरो चीफ लाहौर हमारे साथ मौजूद हैं। जी उमर, बताएगा कल हल्फ उठाएगा मरियम नवाज, कल से ही एक्टिव हो गई हैं वजारत आला पंजाब के लिए। जी, आज मरियम नवाज सुबह सवेरे अपने ऑफिस पहुंची, जिसके बाद वो सिविल सेक्रेटरीट गईं और सबसे पहले उन्होंने ट्रैफिक रोकने के हवाले से अहकाम दिए और कहा कि जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है वो बेहतर होनी चाहिए। जिसके बाद वो सिविल सेक्रेटरीट गई तो जो ब्यूरोक्रेसी के आला अफसरान हैं, मुख्तलिफ महकमों के जो सेक्रेटरीज हैं, उनके साथ उनकी नशस्त हुई और इस बारे में उन्होंने अपनी जो पॉलिसी गाइडलाइंस हैं उसके मुतालिक उन्हें आगाह किया और उन्हें बताया कि वो बिल्कुल भी मेरिट के खिलाफ कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगी और मालियाती उमूर में खासकर जो शफाफियत है उसके ऊपर किसी भी किस्म का कोई समझौता नहीं होगा। चीफ सेक्रेटरी भी मौजूद थे, IG पंजाब भी मौजूद थे और मरियम नवाज की आज सिविल सेक्रेटरी आमद हुई है। बहुत शुक्रिया उमर दराज गोंदल।